अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अभी यहाँ सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, यानी कि आज उनके लिए मैं पराठे बना रही हूँ। मेरे बच्चों ने कहा था मम्मी कल पराठे बना देना, तो मैंने बोली चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दो बार मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना मतलब हैवी नाश्ता नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उनके लिए बना देती हूँ। तो आज मैं उनके लिए पराठे बना रही, तो सोची चलो आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं उनके लिए पराठे बना रही, तो बच्चों को ऐसे पराठे पसंद आते तिकोने वाले, और साथ में मैं आमलेट भी बना दूँगी, तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो कभी कभी हम बच्चों को ये भी नाश्ता दे सकते हैं, वैसे तो मैं बहुत कम देती हूँ ये सब, वो पाव वगैरह वही सब वो लोग खा लेते हैं, मगर कभी कभी तो दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ता तैयार कर लेती हूँ और साथ ही साथ जो भी काम रहेगा वो भी आप लोग को बता दूँगी। तो यहाँ मेरे को बहुत मतलब जम तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने बोली चलो ठीक है बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोग को मैंने कभी भी सुबह का टाइम का नहीं बताई हूँ वीडियो, तो मैं बोली चलो बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है सब बच्चे लोग सो रहे और मुझे मतलब किचन के पास एक कोने में खड़े रह के बनाना पड़ रहा है और मुझे भारी पड़ रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं बना लेते। और यहाँ बाजू में सभा आप सभा को देखे होंगे, वो बाजू में खड़ों की वीडियो बना रही थी, और यहाँ मेरी चाय भी अच्छी तरह से पक गई है। तो चलिए फिर अभी मैं यहाँ पे आमलेट बना लेती हूँ। और हाँ, यहाँ पे हमारे घर में मतलब एक तरह से कोई भी नहीं खाता, सबकी अलग अलग फरमाइश रहती है, सब अलग अलग तरह से खाते, जैसे किसी को फेट के मैदा चाहिए रहता है, किसी को सिंपल खाते हैं और किसी को बस वैसे तोड़ के मैदा बनाते हैं, बस वैसा सबका अलग अलग रहता है। लेकिन ये जो बनाने जा रही है ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो ये मैं सिंपल सा खाती हूँ, तो मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे ही बना रही हूँ, और सैफ सोहेल को जैसा चाहिए मैं उनकी तरह से बना के दे दूँगी। अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं उठा, सिर्फ मैं सभा और मेरा बड़ा बेटा उठा है, क्योंकि उसे काम पर जाना था, तो वो सुबह उठ जाता है, तो बस अभी उसके लिए भी नाश्ता बना दे रही हूँ मैं, और अपने लिए और सभा के लिए बना दे रही हूँ। और जब सोहेल साहब और मेरा शाहिद उठेगा तो उसके लिए अलग से बना दूंगी। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हमारा नाश्ता पानी आज हो रहा है, तो आप लोग भी आना नाश्ते के लिए। और देखिए ये मैंने मैदा बना दी हूँ और अभी मैं सभा के लिए बना रही हूँ, तो सभा को कैसा पसंद आप लोग को बता देती हूँ। तो बस उसे ऐसे ही मैदा पसंद आता है, वो कच्चा पक्का मैदा खाना पसंद करती है, और वो सिंपल सा नाश्ता उसका होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा, मुझे अजीब सा लगता है ये, और मुझे सही बोले तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये, उसे बहुत पसंद है, तो वो इसी तरह से खाती है, तो उसके लिए मैंने बना दी। तो यहाँ मैंने अपने बड़े बेटे के लिए नाश्ता लगा दी हूँ, तो वो मैदा वगैरह नहीं खाता है, सिर्फ वो चाय पराठा खाता है, तो उसके लिए चाय पराठा बना दे दी हूँ, और ये बाजू में मेरा नाश्ता रखा है, तो चलिए मैं उसे नाश्ता दे दी हूँ, और वो अभी काम पे चला गया। और यहाँ पे सोहेल साहब उठ गए हैं, तो इनको भी मैं नाश्ता दे दे रही हूँ, ये भी नाश्ता कर लेंगे। और बस अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, करीब 10:30 हो गए हैं, तो ये लोग नाश्ता कर ले, तो फिर जो भी काम रहेगा मतलब दोपहर का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ सिंपल सी रेसिपी, यानी कि खिचड़ी, क्योंकि सुबह हमने बहुत हैवी नाश्ता कर लिए थे, इसके लिए अभी तो फ़िलहाल सिंपल से ही बनाना था, तो मैं सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बता रही हूँ आप लोग को कि ये कांदा मैंने कट करके रखी हूँ, लेकिन ये भगाने में नहीं डालूँगी, ये कांदा मेरा लड़का खाता है अलग से खाने के साथ, तो उसके लिए मैं एक हाथ कांदा अलग से काट लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लहसुन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची काट के रख ली हूँ, तो मैंने अभी तेल गरम करने रख दी हूँ, तेल गरम हो जाएगा तो ये जो भी मटेरियल है मैं उसमें ऐड कर दूँगी, और हाँ थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। तो बस ये सिंपल सी है, और मैंने आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें तो बताना ज़रूरी है, जिस तरह भी है जो भी है हमें बताना चाहिए। तो बस आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो,
और बस अभी और क्या बोलूँ आप लोग से ज़्यादा, तो बस यहाँ पे तड़का लगा ली हूँ और अभी साथ ही साथ मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूँगी। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत झटपट बन जाती है और वैसे भी टाइम हो गया है, मेरा लड़का भी जो शाहिद है दूसरे नंबर का वो आने वाला है, मतलब बड़ा वाला तो खाना ले जाता है, ये दूसरा वाला बेटा घर में आके खाता है, तो बस उसको आने को भी थोड़ा ही टाइम रह गया, तो मैं चलो यही बना लेती, ईजी भी है और जल्दी बन जाएगा। तो बस फटाफट मैंने यहाँ खिचड़ी के लिए तैयार कर ली हूँ और ये 2 सीटी आए तक मेरी खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो अभी आप ऐसा मतलब आप बोलेंगे कि बार बार हमें खिचड़ी ही बताते रहते, तो मैं आप लोग से बोल दूं, ऐसे तो मेरे वाले जितने भी वो बेचारे कभी मुझसे कभी कुछ कहते ही नहीं है, जो भी है जिस तरह से भी मैं बताती हूँ बेचारे मेरा साथ देते हैं, कभी मुझसे कमेंट भी नहीं करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर। लेकिन आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी मालूम पड़ेगा कि हम लोग के क्या हालात है, क्या है क्या नहीं, जैसा भी है जिस तरह से भी हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं, और ये कोई बनावटी नहीं रहता है, जिसके घर में जैसा रहता है वैसे ही वो इंसान बताता है, कोई अलग से या कॉपी करके नहीं बताता है, जिस तरह से हमारे घर का है वही मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ठीक है, फिर यहाँ मेरी खिचड़ी पक जाएगी, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाई हूँ। तो बस यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मेरा गैस भी अच्छा नहीं जल रहा, पता नहीं ये 2 दिन से ऐसा हो रहा है, अभी मुझे गैस वाले को बुला के सर्वे कराना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी खिचड़ी भी बन गई है, मैं फटाफट निकाल देती हूँ क्योंकि मेरा लड़का आ गया है खाना खाने, और बस वो आधे घंटे की छुट्टी मिलती है उसे, वो आता है खाना खाता है और चला जाता है, तो फिर मैं इसके लिए हर चीज़ रेडी रखती हूँ ताकि उसको लेट ना होए। तो यहाँ सोहेल भी मेरा सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि पलेट वगैरह है, अचार वगैरह जो भी है वो निकाल के दे देता, बच्चा मेरा बहुत मेहनत करता है, मेरे साथ बहुत सपोर्ट करता है, तो बस इसी तरह बच्चे लोग साथ देते रहे माँ बाप का, और माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ रहे, बस इतना ही अल्लाह से दुआ करने का। और बस यहाँ पे अभी मैं लोग के लिए खिचड़ी निकाल देती हूँ सबके लिए, तो बस यहाँ बच्चे लोग बोल रहे अम्मी थोड़ी थोड़ी निकालना, अभी पेट हमारा भरा ही है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा निकाल देती, अगर उनको लगेगा तो फिर वो ले लेंगे। तो यहाँ चावल ज़्यादा गर्म है इसके लिए मैं फैला फैला के दे रही हूँ ताकि उन लोग का जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था जो आप छोटा सा वीडियो था जो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।